ऐसे में मुनिरका वार्ड से भाजपा के निगम पार्षद भगत सिंह टोकस जी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगा कि प्रचार कौन कर रहा है। मैं आग्रह करूंगा क्षेत्र के निगम पार्षद से कि यह राजनीति का समय नहीं है। कहाँ है वो मोहल्ला क्लिनिक जो दावा कर रहे थे। भाजपा के लोग बिना किसी अनुशासन के पार्टी प्रचार को शिद्दत से निभा रहे हैं। आर के पुरम विधानसभा के अंदर एक भी COVID-19 का जो है टेस्ट नहीं हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना अपने पैर पसार रहा है, वैसे ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी और MCD की भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकरार तेज हो गई है। जी हाँ, मैं हूँ राजेश तन्वर प्रजापति और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुँचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है और इससे होने वाली मौतों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और MCD में लगभग 15 सालों से राज कर रही BJP की पार्टी के बीच में कोरोना महामारी एक युद्ध का विषय बन चुका है। इन दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई इस तरह चल रही है कि आर के पुरम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गौरव टोकस ने वीडियो जारी कर अपने ही वार्ड के पार्षद भगत सिंह टोकस पर आरोप लगाया कि इस आपदा के समय में लोगों की मदद करने की बजाय पार्टी प्रचार में जुटे हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं गौरव टोकस आर के पुरम विधानसभा आम आदमी पार्टी से एक वीडियो आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारी दिल्ली, हमारा देश भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से जूझ रही है। ऐसे में बड़े शर्म की बात है जहाँ सब एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं, एक दूसरे की भरपूर मदद कर रहे हैं। ऐसे में मुनिरका वार्ड से भाजपा के निगम पार्षद भगत सिंह टोकस जी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। आपदा के इस गहरे संकट में जहां लोगों को रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले रसोई के सामान की जरूरत है, ऐसे में ये भाजपा के लोग बिना किसी अनुशासन के पार्टी प्रचार को शिद्दत से निभा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा क्षेत्र के निगम पार्षद से कि यह राजनीति का समय नहीं है, इस समय प्रचार ना करें बल्कि सबके साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों की सेवा करें, मुनिरका वार्ड के लोगों की सेवा करें। कोरोना से बचाव हेतु हर संभव प्रयास जमीनी स्तर पर करें। जब इस विषय पर दिल्ली दस्तक की टीम में मुनिरका से पार्षद भगत सिंह टोकस से बात करी तो उन्होंने सीधा आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इसके साथ ही दिल्ली और आर के पुरम की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करे। मैं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी से कहूंगा कि प्रचार कौन कर रहा है। कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा बड़ा प्रचार किया। 30,000 बेड दिल्ली के में उपलब्ध हैं वैश्विक महामारी कोरोना में। अब कहाँ है वो बेड? माननीय उच्च न्यायालय ने जब संज्ञान लिया तो 3,000 बेड का उन्होंने एफिडेविट दिया। कौन झूठा प्रचार कर रहा है? कहाँ है वो मोहल्ला क्लिनिक जो दावा कर रहे थे कि वर्ल्ड क्लास के, हमने जो है पूरे विश्व के अंदर हमारे मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हो रही है। आप देखिए, 1 जून से लेकर के आज 13 जून पे हैं, पिछले 13 दिनों से आर के पुरम विधानसभा के अंदर एक भी COVID-19 का जो है टेस्ट नहीं हुआ है। जिस फैमिली के अंदर अगर COVID-19 से डेथ भी हो गई है, मैं स्वयं से जो है कितनी बार मैंने प्रयास किया, हमारे मोहम्मदपुर गांव में भी, मुनिरका में भी, DDA फ्लैट, सब जगह जहां पर COVID-19 के पेशेंट हैं उनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट यानी कि उसके फैमिली के मेंबर का भी जो है जांच नहीं हो रहा है। और रही बात जो वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम उनको काम हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में नगर निगम का चुनाव है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर झूठ बोल करके मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके मुख्यमंत्री कुर्सी पर तो काबिज हो गए, लेकिन आप जरा देखिए, केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए राशन दिया, जांच की किट दे रही है, PPE किट दे रही है। तो दिल्ली की सरकार इस वैश्विक महामारी में दिल्ली का जो बेहाल हो गया है उसके जिम्मेवार कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं।
मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ कमरे के अंदर बैठ करके जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं, आज जो है हमारी राष्ट्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने मोदी सरकार 2 के पहले कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उसके लिए हमने सभी हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधन किया है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपने कहा कि आपकी आम आदमी पार्टी अब वो खास आम पार्टी हो गई है, आम पार्टी नहीं है। आपने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस आपदा के समय, इस महामारी से जहां देश और दुनिया लड़ रही है, इस तरह के आरोप प्रति आरोप लगाना सही है? अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।